इंसान इस धरती का अनोखा प्राणी है और कल्पनाओं को विज्ञान के जरिए पूरा कर चुका है। चाहे वो आसमान में उड़ने की कल्पना हो या चांद तारों तक पहुंचने का सपना, आजकल तो मनुष्य प्रकाश से भी तेज चलने वाला माध्यम की तरफ अग्रसर है। मैं आपको बता दूं, आज तक मनुष्य जितना भी आविष्कार या तरक्की किया है, मात्र अपने 10% दिमाग का उपयोग किया है। अर्थात मनुष्य के पास असीमित कुछ कर गुजरने की क्षमता है। आजकल मनुष्य भविष्य की कल्पना करके नए नए आविष्कार तो कर ही रहा है, परंतु बीते हुए वक्त में वापस जाना अब तक नहीं कर पाया था। क्या हम लोग बीते हुए वक्त में जा सकते हैं, अर्थात वर्तमान युग के मानव को पाषाण काल के मानव जैसा बनाया जा सकता है? यदि इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहें, और ऐसे ही प्रतिदिन इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल RN राज फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एलेक्स पोलिशचुक नाम के शख्स का दावा है कि बहुत सारा पैसा लगाकर एक ऐसी मशीन बनाई जा सकती है जो इंसान को भूतकाल में ले जा सकती है। अर्थात इंसान वर्तमान काल के मानव से पाषाण काल के मानव में बदला जा सकता है। डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक आरोन योहानन नाम के एक शख्स ने जानना चाहा कि आखिर किन चीज़ों को मिलाकर एक टाइम ट्रेवलिंग मशीन बनाई जा सकती है। इसके जवाब में एलेक्स पोलिशचुक ने कहा, भारी भरकम बजट में ऐसी मशीन बनाई जा रही है जिसे 8,18,06,91,300 रुपये में तैयार किया जा सकता है। इतना ही नहीं, इस शख्स ने मशीन के टेक्नोलॉजी और मटेरियल के बारे में भी बात की है। इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले मटेरियल्स में सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट, बिना बूस्टर्स और सोफिस्टिकेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम के एक स्पेसशिप चाहिए होगा। जब मैग्नेट का इस्तेमाल होगा तो इसमें एनर्जी उत्पन्न होगी। एलेक्स ने पूरी थ्योरी इसके लिए बताई है, लेकिन कहा है कि इससे सिर्फ बीते हुए वक्त में जाया जा सकेगा, वहां से वापस आने का रास्ता नहीं होगा। ऐसे में सिर्फ वो लोग ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जिन्हें वापस लौटने की इच्छा नहीं हो। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।